हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुष्मिताज क्लासरूम। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और रेसिपी का नाम है प्लास्टिक चटनी। आपको जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि प्लास्टिक चटनी कैसा नाम है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वे मैं बताती हूँ। कच्चा पपीता है जिसको मैंने बहुत फाइन स्लाइस में, या तो आप काट लीजिए या ग्रेटर से इसके फाइन स्लाइसेस बना लीजिए, ऐसे पतले पतले स्लाइसेस बना लीजिए। तो एक मैंने छोटा पपीता लिया है जिसको मैंने फाइनली मैंने चॉप कर लिया है, स्लाइसेस बना लिए जैसे चिप्स बनता है वैसे। और इसमें लगेगा चीनी और पानी और थोड़ा सा काजू किशमिश, नींबू और चुटकी भर नमक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनको, पपीते को हमें बॉयल नहीं करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चाशनी बना लेनी है। तो मैं सबसे पहले चाशनी बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे और मैंने एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अब इसी में दो कटोरी पानी मुझे डालना है। अब मुझे इस चाशनी को बनाने देना है, इसको कुछ गाढ़ा या एक साल की नहीं बनानी है। जस्ट मुझे इस चाशनी को, चीनी को पहले घुल जाने देंगे। जब चीनी घुल जाएगा फिर मैं इसमें पपीते के जो स्लाइसेस हैं काट के जो मैंने रखा है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसी में मैं बॉयल होने छोड़ दूंगी। तो आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं ये चाशनी बहुत अच्छी तरह से, चीनी इसमें घुल गया है और ये चाशनी बन रहा है, पानी खूब अच्छी तरह से उबल रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी
क्रीम ने 12 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट समय क्या करना है। तो आइए अब चेक कर लेते हैं कि हमारा पपीते की प्लास्टिक चटनी कहाँ तक पहुंची है। ये अच्छी तरह से गल गया है और इस प्रकार से मेरे 15 मिनट हो गए हैं इसको उबालते हुए। अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़े से ये काजू और किशमिश जो मैंने धो के रखे हैं, काजू थोड़े से मैंने छोटे काट पीसेस में काट लिया है, वो इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर देती हूँ और फिर से 2-3 मिनट के लिए इसको मैं उबलने देती हूँ। अब मैंने फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर लिया है क्योंकि पपीते तो गल गए हैं, अब मुझे बस चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो इस वजह से चटनी को थोड़ा गाढ़ा करना है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया है। ऐसे मैं और 5 मिनट रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि चाशनी काफी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा इसको पतले में ही हमें रखना है क्योंकि बाद में ये और ठीक हो जाएगा जब ठंडा हो जाएगा। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और प्लास्टिक चटनी, कच्चे पपीते की प्लास्टिक चटनी आपके लिए बनके तैयार है। आप बनाइए, खाइए, परोसिए और तारीफ लीजिए और खुद भी आनंद पाइए। अब मैं गैस आपके लिए ऑफ कर देती हूँ, आपको दिखाना है सर्व करके, इसलिए मैं अब गैस ऑफ कर रही हूँ। जब गैस ऑफ हो जाएगा तब हमें इसके ऑफ होने के बाद, उससे पहले नहीं, ऑफ जब गैस ऑफ हो जाएगा तब इसमें 1/2 लेमन हमें स्क्वीज कर देना है या 2 चम्मच नींबू का रस आप इसमें स्क्वीज कर दीजिए। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप पूरा नींबू दीजिए, अदरवाइज 1/2 लेमन से ही काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से प्लास्टिक चटनी बनके तैयार है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो चीनी जो है वो जम जाएगी और आपकी चटनी जो है और ज्यादा थिक हो जाएगी। तो अभी मैं ये आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एकदम नया डिश है प्लास्टिक चटनी कच्चे पपीते की, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि कच्चा पपीता है जो पेट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप लोग नॉर्मली पक्का पपीता खाते हैं पर ये कच्चा पपीता है। कच्चे पपीते की प्लास्टिक चटनी आपके लिए बनके तैयार है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनाइए, खाइए और आनंद लीजिए और मुझे बताइएगा आपका कैसा लगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।